नमस्कार दोस्तों, मैं आज एक बार फिर पहली बातें पे बात करेंगे बिग बॉस सीजन 13 जो है टेढ़ा। पर आपको दोस्तों बता दूं कि घर के अंदर एक चल रहा था टास्क जिसके लिए आए थे खुद आपके झगास मिस्टर अनिल कपूर। अनिल कपूर ने सबको हग किया, सबको अप्रिशिएट किया, पर कहीं ना कहीं एक चीज बहुत ही बारीकी से नोटिस किया गया कि सलमान खान एंड अनिल कपूर बोथ वॉज नॉट हैप्पी विद पारस छाबरा। मैं दोस्तों बता दूं कि पारस छाबरा जब शुरुआती दौर में आए थे ही वॉज डूइंग वेल, पर कहीं ना कहीं पारस छाबरा जो है वो खुद को स्मार्ट दिखाने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। सी ये बिग बॉस है जहां जैसे आप हो वैसे रहो, एंड आई नो पारस छाबरा वेरी वेल क्योंकि मैं मुलाकात कर चुका हूँ, हम लोग मिल भी चुके हैं। पर जिस तरीके से पारस छाबरा घर के अंदर दिख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपना 50% दिखा रहे हैं। 50% वो पूरा अपने आप को मॉडिफाई करके दिखा रहे हैं, एंड द काइंड ऑफ एटीट्यूड वो बार बार दिखाते हैं सलमान खान को, वो कहीं ना कहीं उनको बहुत ज्यादा नेगेटिव करने लगता है घर के अंदर ही। वहीं कहीं ना कहीं जब ये देखा गया कि अनिल कपूर को वो हक करने गए तो अनिल कपूर ने बोला ठीक है चल जा पहले केला पहन। तो सी द काइंड ऑफ बिहेवियर, मतलब यार कोई हक करने आता है तो जैसे भाऊ गए अनिल कपूर के पास तो अनिल कपूर ने उन्हें बहुत अच्छी तरीके से हक किया। वहीं सिद्धार्थ शुक्ला को हक किया उन्होंने, लड़कियां थी तो उन्होंने सबको नमस्ते किया, आसिम को हक किया, विशाल आदित्य को हक किया। पर वहीं पारस छाबरा उस समय हक नहीं कर पाए थे तो वो सोचे अब कर ले, तो वो गए जब टास्क के दौरान उनके पास तो उन्होंने बोला नहीं चल जा तू केला पहन। सी द थिंग्स कि जिस तरीके से आप कर रहे हो आप क्या दिखा रहे हो खुद को। एंड सच में पारस छाबरा जो स्टार्टिंग में आए थे वो कहीं ना कहीं अब धूमिल होते जा रहे हैं, कहीं कहीं धुंधले धुंधले होते जा रहे हैं, और जो पारस के फैंस हैं वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अपसेट हैं पारस को लेकर। सो इट्स अ अलार्मिंग सिचुएशन पर पारस कि भाई अब तेरे को करना पड़ेगा क्योंकि सब आ रहे हैं तो हो सकता है इसलिए आप सेफ होते जा रहे हो, पर कहीं ना कहीं अगर स्ट्रॉन्ग प्लेयर आते हैं लिस्ट में नॉमिनेशन के तो पारस भाई आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हो सकती है क्योंकि आपकी ऑडियंस ठीक है लेकिन आपको इस बिग बॉस के जरिए अपनी खुद की भी ऑडियंस जनरेट करनी पड़ेगी, जैसे जनरेट कह रही हैं सहनाज गिल, सिद्धार्थ शुक्ला, एंड द बेस्ट एग्जांपल इन द हाउस इज आसिम रियाज जिन्हें कोई नहीं जानता था, इवन घर के सदस्य भी आज न जाने कितने लोग जान रहे हैं आसिम रियाज को। हैट्स ऑफ आसिम रियाज। होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहेगा और सही है तो प्लीज डू सपोर्ट, लाइक वीडियो एंड शेयर करिए और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलिए। मिलते किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। मैं आरडी।